हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके अमित में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ रोमांचक तथ्यों के बारे में। तो हमारा सवाल ये है कि लोहा कैसे बनाया जाता है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की रोमांचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। तो हमारा सवाल था कि लोहा कैसे बनाया जाता है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों लोहा अयस्क से बनाया जाता है। लो अयस्क को सर्वप्रथम भूनकर जलवाष्प आदि दूर करते हैं तथा कार्बोनेट एवं सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस अयस्क का अपचयन कोक द्वारा एक भट्टी में करते हैं जिसे वात्य भट्टी कहते हैं। अयस्क को कैल्शियम कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिका तथा कोक के साथ मिलाकर भट्टी के ऊपर छिद्र से भट्टी में प्रवेश करते हैं। नीचे के छिद्रों से गर्म वायु को ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है। अंदर की प्रतिक्रिया द्वारा गैस बाहर निकलती है और द्रव लोहा तथा धातुमय जमा हो जाते हैं जिन्हें समय समय पर निकाला जा सकता है। भट्टी में होने वाली मुख्य प्रक्रियाएं निम्न समीकरणों द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है, जैसे 2C प्लस O2 इक्वल टू 2CO, उसके बाद 3CO प्लस Fe2O3 इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2, फिर उसके बाद CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2 तथा CaO प्लस SiO2 इक्वल टू CaSiO3। प्राप्त लोहे द्वारा ढलवा लोहा या इस्पात तैयार कर सकते हैं। इस्पात यानी स्टील बनाने के दो मुख्य तरीके हैं, एक बेसेमर विधि और दूसरा सीमेंज मार्टिन की ओपन हार्थ विधि। ये सब लोह के शुद्ध रूप नहीं है, इनमें कार्बन तथा अन्य अपद्रव्य स्रवदा मिले रहते हैं। उच्च ताप के लोह ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करने के शुद्ध लोहा प्राप्त हो सकता है। लोह औरक विद्युत अपघटन द्वारा भी शुद्ध धातु मिलेगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।